महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी आए दिन किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बनी हुई नजर आती रहती हैं। कभी वो शपथ अच्छे से नहीं पढ़ पाती तो कभी वो ऊल जुलूल बयान दे देती हैं, और शायद इसलिए कि वो सरल स्वभाव में कह जाती हैं और फिर उनकी बात उनके लिए परेशानी खड़ी कर देती है। और एक बार फिर इमरती देवी चर्चा में आ गई हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी कही हुई बातें सत्ता में चल रहे ट्रांसफर उद्योग पर निशाना लगा रही हैं। मंत्री इमरती देवी का एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो एक कार्यकर्ता से डॉक्टर के ट्रांसफर के बारे में ये कहती हुई नजर आ रही है कि जे कह रहे हैं कि ट्रांसफर करा दो, हमने कही ट्रांसफर कराने में पैसे लगेंगे, सस्पेंड ही करा देते हैं। तो क्या इमरती देवी का ये बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि ट्रांसफर के लिए पैसा मांगा जाता है? आपको बता दें कि इमरती देवी ने डबरा के हॉस्पिटल में मीटिंग ली थी और यहाँ पर डॉक्टर ने ट्रांसफर करने की बात कही थी। किस बात कर रहे तुम्हें? अरे भैया, मतलब कांग्रेस कार्यकर्ता खुद सपोर्ट कर रहे बुरे आदमी का? जो कह रहा ट्रांसफर करा दो, हमने ट्रांसफर करावे में पैसा लगेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे। तो सुना आपने, इमरती देवी कह रही हैं कि जे कह रहा है कि ट्रांसफर करा दो, हमने कही ट्रांसफर करने में पैसे लगेंगे, सस्पेंड ही करा देते हैं। तो आखिर इमरती देवी ये क्यों कह रही है? क्या सच में ट्रांसफर के लिए पैसे मांगे जाते हैं? कुछ दिनों पहले मुरैना और भिंड के कांग्रेसी विधायक भी इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। तो क्या इमरती देवी का ये बयान इन आरोपों को सही साबित कर रहा है? सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।